हुकुम करो साहब, ईमान से कहता हूँ आपके लिए जहाँ हाजिर है। शहर में कौमी दंगे फैला दो। जी जी साहब। जो भी मदद चाहिए मांग लेना, मिल जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहब। जय श्री राम। जय श्री राम। एक खबर है तुम्हारे लिए, शहर में दंगों की तैयारी हो रही है। वे पूरी तैयारी में हैं, तुम सब भी तैयार रहना। ठीक है, हम भी पूरी तैयारी में। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो। हाँ, दीवान रसोगी साहब, कमाल है। मैंने तो आपके फोन की उम्मीद ही नहीं की थी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। क्या हुआ सर? गुड न्यूज सर। व्हाट? राजू राजू राजाराम, गुड न्यूज। मैंने वीडियो जर्नलिज्म के बारे में गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया था, लगता है वो पास होने जा रहा है। कल उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। तुम अपने प्रोफाइल के साथ कंपनी के प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट तैयार रखना। मैं सर। गेट आउट। काम चोर कहीं का। अब पता है काम हुई जाएगा। हेलो। हाँ कौन? मोनिका बेटी। हाँ कब आ रही हो? अच्छा, ठीक है। नहीं, कल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तुम्हें रिसीव करने के लिए कोई और आ जाएगा। हाँ ठीक है। अरे मिस्टर गायब से जरूर मिलाऊंगा तुम्हें। हाँ ओके बाय। अच्छा वाह, मोनिका आ रही है। अब मोनिका और डीसी एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे और दोनों की शादी हो जाएगी। सब करना है लेकिन शादी कभी मत करना। क्यों? अरे शादी करने के बाद आदमी टकाटक दारू पीने लगता है, और एक बार वो दारू पीने लगता है तो उसका लिवर खराब हो जाता है। शादी, दारू, लिवर, इसका क्या कनेक्शन होती? मोन तुम क्या बात करती? पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। दारू पीने से लिवर खराब होता है और शादी करने से जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा, वो कैसा? नौकर बना के रखती है बीवियां, उठक बैठक करवाती है। ओह माय गॉड, मैं जाती हूँ, थोड़ी देर में आती। ए डीसी बेटे, तुम मोनिका को लेने जरूर जाना। मामा जी मैं जाएगी, आप कितनी बार मुझे एक ही बात बोलती। कम ऑन मामा जी, यू गो एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। राजू सर, डीसी को मोनिका के शादी के बारे में हमको सब मालूम है, हम दोनों डीसी को समझा देंगे। कम ऑन। लेकिन किसको क्या समझाना है? मैं तो नहीं समझा, और डीसी साहब तो पहले से ही समझे हुए हैं ना। अरे सर को जाने देना, मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ। सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू राजू। थैंक यू। समझाना क्या यार? अरे ये बात है, ठीक है तो डीसी से बात करते हैं। हाय एंड बाय। मैं मोनिका को रिसीव करने जाएगी। मत बनो, सियाने बनो, उस पर रौब जमाओ। कल को उसके साथ तुम्हारी शादी होगी तो वो तुम्हें नौकर की तरह ट्रीट करेगी, याद है ना? वो ठग बैठक करेगी। प्लीज फॉरगिव मी। नहीं, यू आर राइट। मैं उसको रिसीव करने नहीं जाएगी। तो फिर कौन जाएगी? तो किसी को तो जाना पड़ेगा ना। कौन जाएगा? तुम जाएगी। तुम उसको रिसीव करने जाएगी। कम ऑन राजू, जाओ उसको रिसीव करके लाओ। मैं? यस। ओके फ्यूचर बॉस। एंड राजू टेक केयर, उसको संभाल के तुम वापस लाएगी। गुड डे। बाय। Dinu 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 din
ओके ओके नो प्रॉब्लम। नहीं मामा जी, मैं उसको लेने नहीं जा सकी, राजू उसको रिसीव करने को गया है, मैं उसका वेट करती। ओके टेक केयर मामा जी, हाउ आर यू गोना कम बैक? ओके बाय। सर क्या हुआ सर? शहर में बहुत दंगा होती, बहुत प्रॉब्लम होती। केली सर तो ठीक है ना? हाँ, वो पुलिस की गाड़ी में वापस आती। हेलो, हाय निशा, तुम किधर को होती? नहीं निशा, यू शुड स्टे बैक ओनली, तुम घर पे ही रहो। ओके बाय, टेक केयर। निशा मैडम कहाँ है? निशा मैडम भी आधे रास्ते को आकर वापस जाती, अब हम क्या करती? निशा मैडम घर चली गई तो आप क्या करेंगे? मोन तुम समझती नहीं, शहर में प्रॉब्लम होती, अब मोनिका कैसे ऑफिस आती, किधर को आती जाती? सर मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। मोहन अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तभी बोलो, नहीं तो चुप रहो। वही तो बोल रहा हूँ ना, राजू साहब के मोबाइल पर फोन कीजिए। गुड आइडिया। हेलो डीसी, हाँ हाँ मैं बस स्टेशन से बोल रहा हूँ यार। नहीं नहीं कोई नहीं मिली अभी तक। अरे पंचगनी से कहते हैं कि ऐसी कोई बस ही नहीं आई। हाँ यार मैंने हर तरह के कॉम्बिनेशन बना के इंक्वायरी कर ली है, मोना मेनका, लेकिन ऐसे नाम की कोई लड़की नहीं आई यहाँ पे यार। और यहाँ काफी डिस्टर्बेंस लग रहा है यार, दंगा फसाद होने वाला है। अच्छा मैं थोड़ी देर और देख के फिर आ जाता हूँ। हाँ ओके, हाँ अच्छा ठीक है बाय। एक्सक्यूज मी, अभी आप फोन पर किसी से कह रहे थे पंचगनी से मोनिका? वो मैं ही हूँ। आपको मेरे पापा ने भेजा है? हाँ पापा ने भेजा है, मैं राजू राजाराम। अच्छा। तो चले 15वीं? हाँ नहीं नहीं इधर उधर क्या? नहीं नहीं यहाँ नहीं, कब? अरे नहीं नहीं कब कहाँ? नहीं नहीं हाँ 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 ठीक हाँ हाँ रखता हूँ। अरे बाप रे सर, 15वीं न्यूज़ है, सारे शहर में लफड़े हो रहे हैं। ये मेरा दोस्त है ना, वो पुलिस में है, उसका ही फोन था। शट अप मोहन, तुम बार बार ये मेरे को न्यूज सुना के मेरी टेंशन क्यों बढ़ाती है? सर 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 मैं क्या बोलती, अब बोलता हूँ कि आप जरा आराम कर लीजिए, सब ठीक उठी होता होगा, होना चाहिए। देखा, राजू का फोन भी नहीं लगती, मोनिका भी नहीं मिलती, क्या होती? ओह गॉड, ओह नो, ये क्या है? शहर में दंगा फैल गया है चारों ओर, रास्ता बंद कर दिया इन लोगों ने, कहाँ से जाएंगे हम लोग? पर हम पहुंच तो पाएंगे ना? कोशिश तो वही कर रहे हैं। अगर हम दंगे में फंस गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी फंस गए हम लोग, और क्या फंसेंगे, सोचना यह है कि निकले कैसे। भैया भैया मुझे लगता है पीछे जाना चाहिए हम लोगों को, पीछे से लेफ्ट ले लेते हैं, वही एक रास्ता है। सर पानी पी लीजिए, ठंडे बर्फ वाला। नहीं मोहन मैं नहीं पिएगी। मैं पानी पीने के लिए नहीं लाया हूँ, आपके सर पर डालने के लिए, ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे। मोहन तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझता, मुझको मामा जी बोले मैं मोनिका को रिसीव करेगी, मैं राजू को भेज दी, और अब मोनिका का कोई पता नहीं, मामा जी आके मुझे बहुत डांटेगी। नहीं डांटेगी, पीछे देखिए। वाओ, हाय, I'm DC, DC from NY. You must be Monica, right? Oh, हाँ, Monica. क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? लो, कर लो बात। आप तो यहाँ की मालकिन हो, क्यों सर? Right, मोहन, तुम ऐसा करो कि जाओ, मैडम के लिए पानी लेके आओ। Please come in. Thank you so much. Please sit down. तुमको राजू तो नहीं मिली होगी? राजू? ओ, नहीं, नहीं मिली। क्या तुम चॉकलेट खाएगी? ओ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत भूख लगी थी। मोहन मैडम को पानी पिलाओ। मोहन चॉकलेट खाती मतलब मोनिका होती। सर लड़की वही है और सही है। मोहन वही है, सही है। ऐसा करो, हमारी बिल्डिंग की कैंटीन में जाके मैडम के लिए ब्रेकफास्ट लेके आओ, केक्स एंड पेस्ट्रीज। हमारे मोनिका मैडम के लिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। मोनिका भैया रुको रुको,
गॉड क्या हो रहा है? ओ गॉड क्या कर रहे हो राजू तुम? कुछ को मदद चाहिए, मदद करना होगा। पर हम उसकी क्या मदद करेंगे? कुछ भी, कम से कम अस्पताल तो ले जा सकते हैं। पर तुम नहीं, सुनो, देखो मैं इसे यहाँ छोड़कर भाग नहीं सकता। तुम मेरी मदद करना चाहती हो? राजू तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर इस वक्त के लोगों को क्या हो गया? इधर को मेरा मामा जी बैठी, अंकल अभी थोड़ी देर में आती होगी। मैडम आपका पेट तो भर गया ना? सब ठीक था ना? जी हाँ, आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं तो दंगे में फंस गई थी, मैं आप लोगों ने मदद की, मैं बहुत खुश हूँ। अरे आपकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप खुश तो सर खुश, सर खुश तो सारा दफ्तर खुश, क्यों डीसी सर? हाँ मोहन, यू आर राइट, इज राइट। लगता है मामला जम गया। कैसे मामला? नहीं, वो केली सर आपको बताएंगे, तब तक आप उनकी कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। मैं और इस कुर्सी पर? नहीं नहीं प्लीज, आपको एक बार तो बैठना पड़ेगा। I wanna see I how you look, you know? Please, please. नहीं बैठो मोहन, बैठो प्लीज, बैठो बैठो। और मैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्रस्तुत करता हूं इस बार आपके सामने टिकी 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 मोनिका। ये कौन होती? मोनिका होती। ये कौन होती? मोनिका। दो दो मोनिका नहीं हो सकता। राजू तुम कुछ गलती करता है, ये मोनिका नहीं है, ये मोनिका है। नहीं नहीं आप कुछ गलती करते, यही असली मोनिका है, मगर इसका फैसला कौन करेगा? बेवकूफी की भी कोई हद होती है, इन दोनों में से मेरी लड़की, मेरी बेटी मोनिका कोई नहीं है। करो तो। अंकल आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आप ही के दोस्त शास्त्री जी की बेटी हूँ। शास्त्री? शास्त्री न्यूज ब्यूरो। वासुदेव शास्त्री, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, तुम्हारा नाम भी तो मोनिका है ना? हाँ मेरी बेटी, और तुम दोनों एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए थे, इसलिए हम दोनों ने अपनी बेटियों का नाम मोनिका रखा। पापा आपको हमेशा याद करते हैं, फोन पर इन्होंने पंचकनी और मोनिका का नाम लिया तो मैं इनके साथ चली आई, फिर आते आते इन्होंने केली और केली का नाम लिया तो मैं सहारे के लिए चली आई। अच्छा अच्छा हुआ तुम यहाँ चली आई। बाहर दंगे शुरू हो गए थे इसलिए मैं अंदर चली आई, ये डर से लोगों को नहीं बताया ताकि लोग मुझे बाहर ना निकाल दें। अच्छा किया तो तुम यहाँ चली आई, तुम्हें मोहन घर छोड़ देगा। मोहन हाँ, तुम इसे घर छोड़ने के लिए जाओ और वहीं से तुम भी अपने घर चले जाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम यहाँ वापस आ जाना, यहाँ आकर सो जाना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, बाय बाय। चलिए मेरी बेटी मोनिका का कौन? डीसी पहले पंचकनी फोन लगाओ। ओके मैं मोनिका से बात कर रहा हूँ। कहीं तंगा फंसा? नहीं नहीं नहीं, अगर मेरी बेटी मोनिका को कुछ हो गया? आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चुप। मामा जी फोन लग गई। कहीं नहीं गया। हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ मुंबई से मैं केली केली बोल रहा हूँ, मेरी बेटी मेरी बेटी मोनिका। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ मामा जी? अरे होना बाकी है। हाँ मोनिका, हाँ बेटी मोनिका, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। अरे तुम आई नहीं? हाँ अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, टेक केयर, ओके बाय। क्या हुआ सर? क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, उसे वायरल फीवर हो गया था इसलिए वो नहीं आई। अच्छा अच्छा तभी तभी तो फिर सर अभी घर चले। हाँ आज तुम हमारे घर रहो। डीसी? यस मामा जी। मोनिका को साथ लेके चलो, आज ये हमारे यहाँ रहेगी। हमारी मोनी आई तो क्या? मामा जी आई, आई हाँ, जाओ जाओ इसे लेके जाओ, जाओ जाओ। और मेरा क्या होगा सर? तुम सर
तुम मेरे साथ कार में चलो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, चलो। थैंक यू सर। बोल बोल ये नाम क्या है? बोल बोल भाई लगता है बोल का आदमी है। बोल बोल मुझे शक है इधर का आदमी है। बोल बोल तेरा नाम क्या है? बोल 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 तेरा नाम बोल। राजू राजू देख उसे वो मार रहे हैं। पर आपने गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं नहीं मैं उसे बचा नहीं जा रहा राजू। अरे कमाल है कैसे, आप वहां मत जाइए। नहीं नहीं राजू उसे बचाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा राजू। बोल बोल तेरा नाम क्या? बोल केली सर। कमाल है केली सर औरों को बचाने जा रहे हैं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों मार रहे हो उस गरीब को? ये उधर का आदमी है, उधर वाले भी हमारे लोगों को ऐसा ही मारते हैं नाम ना बताने पर। लेकिन नाम ठीक तरह से पूछो। मैं पूछता हूँ। बोल बेटे तेरा नाम क्या है? ये गूंगा है, गूंगे से नाम पूछते हो? शर्म नहीं आती तुमको? गूंगे आदमी को मार रहे हो? ए बुढ़े तो हमारे काम में दखलंदाजी मत दे। दे दो तुझे भी जिंदा मार देंगे। मुझे 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 तुम धमकी दे रहे हो? जो तुमसे बनता है वो कर ले। लगता है मुझे एंट्री लेनी होगी। मैं इसे आज अपने साथ लेके जा रहा हूं, जो बनता है वो कर ले। जा। रुक जाओ। कौन है? अरे कौन है? हाँ मैं। तुम सबकी वजह से मुझे आना पड़ा। क्या हो गया है तुम्हें? इंसान हो या जानवर हो, कोई लड़वाता है और तुम लड़ते हो और मरते हो कीड़े मकोड़ों की तरह। यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारा मकसद है। उधर वाले लोग भी हमारे लोगों को ऐसा ही मार रहे हैं, अपना अपना नाम पूछ पूछ कर। वो गलती कर रहे हैं इसलिए तुम भी कर रहे हो। कब तक ऐसे जियोगे? अब जरा भी समझ बाकी है तो ये हथियार फेंको और घर जाओ। जिंदगी का मकसद बनाने में होना चाहिए, बिगाड़ने में नहीं। याद रखो, जो आज तुम बोगे कल वही काटोगे। जाओ घर जाओ। वाह मिस्टर गायब, आप महान हैं। शाबाश मिस्टर केली, आपने वाकई बहादुरी का काम किया है। गुड नाइट। थैंक यू मिस्टर गायब, आप वाकई बहुत महान हैं। आपके विचार कितने कितने ऊंचे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओ बेटा बैठ जा। तू घबरा मत, मैं हूँ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता तेरा। ये राजू कहाँ चला गया? राजू काम चोर डरपोक कहीं का। इश। हेलो कौन? हेलो सर। राजू। हाँ सर, आप कहाँ हैं? अरे तुम कहाँ हो? सर मैं तो पुलिस को ढूंढने गया था आपको और बच्चे को बचाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अभी पुलिस गिराने की जरूरत नहीं है, मिस्टर गायब ने हम दोनों को बचा लिया है। ओह वेरी गुड। तो सर आप घर चले जाइए ना सर। हाँ जाऊंगा, जाता हूँ। काम चोर डरपोक राजू राजाराम, तेरे को भी क्या बोल रहा हूँ मैं, तुझे क्या पता वो कौन है क्या है। क्या हो रहा है? ये कैसा तमाचा है आपकी और मेरी शक्ल पर? ठीक है, हम सब महाराष्ट्रियन, बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम सब इससे पहले सिर्फ भारतीय नहीं है? सोचिए, ठीक से सोचिए।